शुरू करते हैं डोनट से। और सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच क्रूलर, जो कि मुझे बहुत बालूशाही जैसा लगता है। इसमें सबसे कम कैलोरीज है, 220। और उसके बाद चलते हैं जेली डोनट की तरफ, जिसमें है 260 कैलोरीज। उससे अगला है ग्लेज डोनट, जो कि बहुत सिंपल है और उसमें भी है 260 कैलोरीज। बॉस्टन क्रीम डोनट मेरे बच्चों को बहुत पसंद होता था। इसमें है 310 कैलोरीज और ये क्रीम से अंदर फिल्ड होता है। अगला डोनट देखते हैं कॉफी रोल। ज्यादातर लोग जब कॉफी पीने जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो एक कॉफी रोल भी खा लिया जाए, पर कॉफी रोल काफी हैवी होता है। इसमें 400 कैलोरीज हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा है। टोटल कार्बोहाइड्रेट है इसमें 53 ग्राम्स, विच इज क्वाइट अ बिट। उससे अगला डोनट है एप्पल क्रम डोनट, और एप्पल क्रम डोनट भी 490 कैलोरीज है और 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस है ब्लूबेरी क्रम डोनट, जिसमें 500 कैलोरीज हैं और करीब 52 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट है 84 ग्राम्स। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसी 500 कैलोरीज के लिए आप और क्या खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रेकफास्ट लिया है, जिसमें है 1 कप दूध, 1 कप चीरियोस, 1 केला, 1 अंडा और करीब 17 बादाम, और ये सब मिलाकर करीब 500 कैलोरीज के बराबर है। 22 ग्राम प्रोटीन और करीब 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सबसे बढ़िया चॉइस है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कभी डोनट खा ही नहीं सकते। आप डोनट जरूर खाएं कभी, शौक से खाएं, पर जरा ध्यान से खाएं कि आप बहुत हैवी कैलोरी डेंस डोनट ना खाएं, या किसी के साथ शेयर करें। आज सिर्फ इतना ही।